भजन संहिता अध्याय 25। भजन संहिता अध्याय 25। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने न दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए, वरन जितनी तेरी बाट जो होते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धारक परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी बाट जो होता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंतकाल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों को और मेरे अपराधों को स्मरण न कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्मों को जो बहुत है क्षमा कर। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा, वह कुशल से टीका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है, क्योंकि वही मेरे पांवों को जाल में से छुड़ाएगा। हे यहोवा, मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूं। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है, तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा, मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। खराई और सिधाई मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। हे परमेश्वर, इस्राएल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले।